तो आज हम देखते हैं साइंस टू के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। साइंस वन का पेपर बहुत ही आसान था। अगर आप लोगों ने जो टॉपिक्स हमने बताए थे वो पढ़कर गए होंगे तो बहुत ही आसान गया होगा, और क्वेश्चन बैंक किए होंगे तो क्वेश्चन बैंक में से भी बहुत सारे सवालात थे उसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो साइंस टू में हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक कॉमन है जिससे, तो यहाँ पर जो कॉमन जैसे कि सबक नंबर 4 है माहौली हुस्ने इंतज़ाम, और इसके बाद में है समाजी सेहत और आफात का हुस्ने इंतज़ाम। तो ये तीन सबक जो है वो सबक नंबर 4, सबक नंबर 9 और सबक नंबर 10, ये तीनों सबक जो है वो बहुत ही आसान है, कॉमन है। मतलब इसमें जो है वो करंट इश्यूज जो भी रहते हैं उससे रिलेटेड सवालात होते हैं। तो इसमें जो है वो आप ये तीनों सबक को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए, और इसमें जो मशकी सवालात है वो भी कर लीजिए, और तमाम टॉपिक्स जो है वो जनरल टॉपिक्स है उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। अगर इसमें से सवालात ऐसे पूछे जाते हैं जिसका जवाब आप अपने जुमलों में भी लिख सकते हैं, तो इस और ये तीनों सबक मिलाकर जो है वो 15 से 20 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं। तो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है तो ये तीन सबक पढ़ के भी वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबक जो है वो आप फ्री टाइम में, जब भी आप आज या कल में रहें, तो ये आप इसको रीड कर लीजिए, अच्छी तरीके से टॉपिक को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और उससे रिलेटेड आज आजकल क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो भी थोड़ा सा आप उसकी भी स्टडी कर लीजिए, ताकि कुछ सवालात आते हैं अगर तो आप उसको अच्छी तरीके से अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीन सबक के बारे में हो गया। इसके बाद यहाँ पर सबक नंबर 1, 2 और 3, ये सबक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम टॉपिक्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांस लोकेशन। ये तीनों टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालात पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के सवालात पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा इसमें। इसके बाद में जो है वो यहाँ पर ये दोनों शक्लें जो है वो ये, और यहाँ पर ये जो शक्ल दी गई है इसको देकर कुछ सवालात पूछे जाते हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर सबक नंबर 1 में हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि क्वेश्चन बैंक में जितने भी तस्वीरी सवालात व तस्वीर देकर जो सवालात पूछे गए हैं वो जो है वो आप अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि किताब में जितनी भी तस्वीर दी गई है उससे रिलेटेड जो सवालात बनाकर क्वेश्चन बनाए गए हैं वो तमाम जो है वो आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद है, और हमारे चैनल पर साइंस टू के तमाम क्वेश्चन बैंक में मौजूद है। तो आप वो क्वेश्चन बैंक जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ये भी जो है वो, ये दोनों भी मैंने बताया कि इस शक्ल देकर इससे रिलेटेड सवालात पूछे जा सकते हैं, और ये तीसरी शक्ल, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में यहाँ पर इर्तका हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन नज़रिया इर्तका जो है वो ये आप पढ़ लेंगे। इसको बहुत ही आसान दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लेते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये वाला टॉपिक आपको यहाँ यहाँ से जो है वो ये टॉपिक करना है, नज़रिया इर्तका, ठीक है। इसके बाद में जो है वो इर्तका के सबूत, इर्तका के सबूत में जो है वो ये पूरा जितना इसका पार्ट दिया गया हुआ है वो सब पढ़ना है आपको। शक्लियाती सबूत, इसके बाद में तशरीही सबूत, फिर इसके बाद में जो दिया हुआ है आसारी अज़ा, और इसके बाद में है यहाँ पर ये सब शक्लें देकर जो है वो आपको पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पर इसको लेबल करने के लिए कहा जाता है, इस तरीके से शक्ल दी जाती है और यहाँ पर इसकी निशानदेही की जाती है और कहा जाता है कि इसको नाम लिखिए, अकल दाढ़ है ये, फिर ये कान के उजलात है। तो इस तरीके से ये भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी शक्लें दी गई हैं उसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो ये इसके बाद में जो है वो रकाजी सबूत, ये भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक इसके अंदर हमारा।
रकाजी सबूत में ये जो है वो इसकी शक्ल के साथ दिया जाता है, लिखना होता है आपको। कभी कभी इसमें से जो है वो इसकी लेबलिंग के लिए आता है, कुछ चीज़ें दी गई होती है, कुछ मिसिंग होती है, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। इसके बाद में जो है वो दरमियानी कड़ियाँ, ये टॉपिक है पांचवा। इसके बाद इसका दूसरा छठा टॉपिक है जिन्याती सबूत, और इसके बाद में है डार्विन का कुदरती इंतखाबे नज़रिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी सबक नंबर 1, 2 और 3 जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसमें सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें सवालात पूछे जाते हैं। इसके बाद में है लिमार्क का नज़रिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में है जो ये नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, इसके बाद में इंसानी तका ये पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन इवैल्यूएशन, ये इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो इसमें ये पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पर ये जो है वो आपका सबक जो है मुकम्मल होता है, और मश्की सवालात जो है वो आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा इन टॉपिक्स के साथ साथ में। अब हम बात करते हैं सबक नंबर 2 की। तो सबक नंबर 2 में जो है वो ये पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन, जानदार और तवानाई की तैयारी, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी शक्ल दी जाती है, और ये जैसे फिलअप्स दिया गया है वो कंप्लीट करने के लिए आ जाता है, ये आप कंप्लीट करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर इसका एक हिस्सा, मतलब यहाँ पर जो दिया गया है जानदार और तवानाई की तैयारी, तो इसके जो है वो एक पहला है शकर पासीदगी, ये पढ़ना है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दौर, क्रैब्स साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। शक्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन मुंतकली जंजीरी तामुल, ये शक्ल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट आ जाती है इसके ऊपर लिखने के लिए। तो जितनी भी शक्ल की शक्लें दी गई है वो सब आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, ये दोनों भी कॉलम ये जो है वो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ये भी इम्तिहान में पूछा जाएगा। इसके बाद में जो है इसके बाद यहाँ पर ये आपको याद रखना है प्रोटीन के हाजमे से तैयार शुदा अमीनो एसिड, ये याद रखना है। एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, ठीक है, ये पूरा कॉलम ये जो दिया गया है उसी की तफसील इसमें दी गई है, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद में है खलवी तकसीम एक लाजमी हयाती फेल, ये पढ़ना है आपको, यानी इसमें से आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ये सब पढ़ना है। ये क्रोमोसोम, या अक्सर ये क्रोमोसोम से रिलेटेड सवालात आते हैं, तो खलिये की मसावी तकसीम, इब्तदाई हालत, इसमें दरमियानी हालत और माबद हालत, ये सब आपको इसमें पढ़ना है, शक्ल के साथ याद रखना है, और आखिरी हालत, ठीक है। तो ये तमाम शक्लें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है वो लाइन से तमाम तस्वीरों को समझकर पढ़ना है, और उसके नाम वगैरह सब चीज़ें अच्छे से याद रखना है, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो अमल वगैरह दिया गया है ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबक नंबर 3 जानदारों में हयाती अफाल हिस्सा 2, तीनों सबक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत कम टॉपिक जो है वो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि तीनों सबक में से एक भी टॉपिक जो है वो आप ना छोड़ें। गैर जिंसी तौलीद में, यहाँ पर इसमें यखलवी जानदार में गैर जिंसी तौलीद तकसीम 2 अमल वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है, इसकी तस्वीर याद रखना है, तस्वीर के नीचे जो नाम दिए गए हैं वो याद रखना है, और इस तरीके से उमूदी तकसीम 2 युगलीना, ये सारी तस्वीरें जो है वो आपको याद रखनी है। फिर कसीर तकसीम ये पढ़ लेना है आपको, यहाँ पे इसकी तस्वीरें दी गई है वो याद रखना है। कलियाओ बडिंग तजियाकारी ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बास पैदाइश बडिंग कलियाओ, और यहाँ पर नबाती अफजाइश नस्ल। फिर बिजरों का बनना ये अमल वगैरह नहीं पढ़ना है। जिंसी तौलीद, अब जिंसी तौलीद में जो है वो यहाँ पर जिंसी तौलीद में पूरा ये टॉपिक पढ़ना है आपको, ये शक्ल के साथ बनाने के लिए आता है 4 से 5 मार्क्स के लिए, शक्ल के साथ उसकी वजाहत कीजिए, तो ये पूरा आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसकी शक्ल आपको याद रखनी है और उसके नाम याद रखने हैं आपको।
फिर इंसान में जिंसी तौलीद, ये टॉपिक भी पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल, यानी कि जिंसी तौलीद में नबातात या ह्यूमन बींग, इसमें से कोई भी जो है वो एक आपको पूछा ही जाता है दोनों में से, तो आपको दोनों भी पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। और तस्वीर याद रखनी है, इंसानी मादा तौलीदी निज़ाम, तस्वीर जो है वो उसके नाम याद रखना है, उसके अंदर जो लेबलिंग की गई है वो याद रखना है। इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन का सवाल एक आता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और तो आपको वो फर्टिलाइजेशन जो है वो पढ़ लेना अच्छी तरीके से। नशोनुमा और पैदाइश, हैज़ का दौर, ये इसमें एक सवाल इम्तिहान में पूछते हैं, तो ये टॉपिक भी आप पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी, ये भी जो है वो आजकल करंट जो सिनारियो है उसके अकॉर्डिंग है, तो इसलिए तौलीद और जदीद टेक्नोलॉजी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इस टॉपिक को जो है वो पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसमें मसनवी बारावरी है, मुतबादिल माह है, और इसके बाद मादा मनवा बैंक यानी स्पर्म बैंक और सीमन बैंक, ये चीज़ें पढ़ना है ये, क्योंकि आजकल ये बहुत ही करंट चीज़ें हैं। ट्विंस किस तरीके से होते हैं वो भी, इससे भी रिलेटेड सवाल आते हैं। फिर जिंसी सेहत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये यानी ये जिंसी सेहत और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इसमें से एक सवाल आता ही आता है इम्तिहान में, तो ये दोनों टॉपिक जो है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना सबक नंबर चार। सबक नंबर चार जो है वो माहौली हुस्न इंतज़ाम, ये सबक आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, इसमें से सवालात कॉमन होते हैं, आप अपने जुमले में इसको अच्छे से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये सबक नंबर चार जो है वो पूरा आपको अच्छे से रीडिंग कर लेना है और ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं सबक नंबर पाँच, सब तवानाई की जानिब, तवानाई और तवानाई के इस्तेमाल, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा इसमें। इसके बाद में जो है वो बरकी तवानाई की पैदावार, ये टॉपिक इसमें से पढ़ना है आपको, शक्लें याद रखनी है इसकी। इसके बाद में है हरारती तवानाई पर मुनस्सिर बिजली की तवानाई का पैदावारी मरकज़, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये आता है इम्तिहान में। इसके बाद में ये पढ़ लेना है, इसके बाद ये जो पैराग्राफ दिया गया है पूरा, ये नीचे का ये पूरा जो है वो कैंसिल है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये पूरा जो है वो कैंसिल है हिस्सा। इसके बाद में पेज नंबर, यहाँ पर ये याद रखना है आपको, ये पूरा ये जो बॉक्स है कैंसिल है, यहाँ पर मसाइल क्या है, कोयले के जलने से पैदा होने वाली फिजाई आलूदगी और कोयले के इतराक से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे सेहत के लिए मुजर गैसों का इखराज होता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पढ़ लेना है कि आप यहाँ पर जो है वो हरारती बरकी तवानाई मरकज़ में तवानाई की तब्दीली, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो है वो कौन से मसाइल हमको पेश आते हैं, तो यहाँ पर ये दो तीन पॉइंट आपको दिए गए हैं। फिर जौहरी तवानाई पर मुनस्सिर बरकी तवानाई पैदावार मरकज़, ये भी आपको याद रखना है, पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। इसके बाद में है हमारा अगला टॉपिक, कुदरती गैस पर मुनस्सिर बरकी तवानाई, ये आपको पढ़ लेना है, यहाँ पर पूरा ये शक्लें जी दी गई आपको सब याद रखना है, कॉलम यहाँ पर जो है ये कैंसिल है कॉलम, और इसके बाद में यहाँ पर बरकी तवानाई की पैदावार और माहौलियात, ये टॉपिक जो है वो पूरा कैंसिल है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, बरकी तवानाई की पैदावार और माहौलियात, ये टॉपिक पूरा कैंसिल किया गया, ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है इसमें से। फिर आबी बरकी तवानाई, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लेना है आपको इसमें से, ठीक है, आबी बरकी तवानाई मरकज़ में तवानाई की तब्दीली, ये पूरी शक्लों के साथ में अच्छे से याद रखना है, शक्ल ऐसे बनाने नहीं आएगी लेकिन यहाँ पर किस तरीके से काम करता है ये आप देख लेंगे तो उसको आप अपने जुमलों में भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में है आबी बिजली की पैदावार के फ़ायदे और आबी बिजली घर के पैदावार से मुतालिक कुछ सवाल, ठीक है, ये जुदूल आप अच्छे से याद कर लेंगे, आपका मशकी सवाल में भी जो है वो इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। इसके बाद ये कॉलम कैंसिल है, हवा की तवानाई पर मुनस्सिर बिजली की पैदावार, ये टॉपिक भी पढ़ेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद में ये यहाँ पर जो दिया गया है
ये पढ़ लेंगे आप। इसके बाद शमशी, तवानाई पर मुनासिर बिजली घर, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शमशी, शुआई बरकी खाना, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद में यहाँ पर ये जो दिया गया है यहाँ पर, ये पूरा जो है वो कैंसिल है, ये सब पूरा कैंसिल है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला पेज आपको 57 नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में है यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, किस तरीके से ये काम करता है। फिर शमशी हरारती बरकी मरकज़, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये शमशी हरारती बिजली का घर का खाका, ये अक्सर इम्तिहान में आता है, तो ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी शक्ली मालूमात है, तो शक्ल देखकर आपको सवालात पूछे जा सकते हैं, आप क्वेश्चन बैंक में इस सब सारी चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। उसके मशकी तमाम मशकी सवालात जो है वो अच्छी तरीके से कर लीजिए, मशकी सवालात जो है वो, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। हैवानात की जमातबंदी, अब इसमें से कुछ सबक जो है वो आप छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हैवानात की जमातबंदी जो है वो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो ये सबक आप जो है वो स्किप कर सकते हैं इसमें, हैवानात की जमातबंदी में। तो ये सबक भी जो है वो आप अच्छे से रीड कर लीजिए, इसमें भी बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आपको नाम वगैरह याद करने में मुश्किल हो रही है तो इसमें ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये हैवानात की जमातबंदी की तारीख, ये पूरा ये पेज जो है वो कैंसिल किया गया है, तो ये पूरा पेज नंबर 62 कैंसिल है। फिर पेज नंबर 63 पर ये आप शक्ल याद कर लीजिएगा, ये शक्ल इम्पॉर्टेंट है, जलियों की खसूसियात। इसके बाद में ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर ये शक्ल दी गई है वो, ये पूरा खाका याद कर लीजिएगा, और ये नीचे जो दिया गया है यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है वो कैंसिल किया गया, ये पूरा हिस्सा आपका कैंसिल है। इसके बाद में हम देखेंगे पेज नंबर 63 पर, ये पूरा पेज नंबर 64 जो है वो कैंसिल है, इसमें जो शक्लें दी गई यहाँ पर ये पूरा जो है वो कैंसिल किया गया है। इसके बाद पेज नंबर 65 ये भी पूरा कैंसिल किया गया है, तो पेज नंबर 65 भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर पेज नंबर 66 पर भी जो है वो 66 का जो ये ऊपरी हिस्सा है ये पूरा कैंसिल है, जिस्मी कहफा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, और ये पढ़ लेना है आपको, ये जो जुदूल दिया गया है ये आपको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स कैंसिल है, और कुछ जो टॉपिक आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो आप उसको मत पढ़िए, ठीक है। तो और ये सब आइला चपटे दोदे ये सब इस तरह से रिलेटेड जो सवालात है वो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये सबक जो है वो आप मशी सवालात जितने भी दिए गए हैं उसको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आप इसकी खसूसियात अगर आपको आसानी से याद होती है तो सबकी खसूसियात जो यहाँ पर दी गई है तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से शक्ल के साथ याद रखेंगे, और अगर मुश्किल लगता है ये सबक याद करने में तो ये सबक आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जमात परिंदे रेंगने वाले ये सब चीज़ें जो है वो आपको अगर आसान लगता है तो याद कर लीजिए, और अगर मुश्किल हो रही याद करने में तो आप इसको ये सबक को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सवालात जो है वो ऑप्शन में होते हैं। सातवां सबक जो है वो खुर्दुबीनी हयातियात का तारुफ, तो यहाँ पर इसमें जो है वो ये टॉपिक नहीं पढ़ना है आपको। सनती खुर्दुबीनी हयातियात ये टॉपिक पढ़ लेना है, क्या है ये खुर्दुबीनी हयातियात, क्या अहम पहलू ये सब नहीं है। फिर यहाँ पर जो पैदावार है इसमें डेयरी पैदावार, ये पूरा जो है वो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ जो है वो कट है, तो ये आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो डेयरी पैदावार में जो है वो ऊपर का ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, खुशबू में इजाफा होता है, और ये पैराग्राफ कैंसिल है। उसके बाद में यहाँ पर योगर्ट की पैदावार ये पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और कॉमन है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो योगर्ट की पैदावार, मक्खन, चीज़ की तैयारी, ये सब कॉमन कॉमन सवालात है, आप एक बार रीड करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, तो ये सब बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सबक आसान है और आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है, इम्पॉर्टेंट है बहुत,
इसको याद करेंगे और अच्छे से इसकी शक्ल भी ध्यान में रखेंगे। फिर बाद में ब्रेड के किस तरीके, ब्रेड क्या है, किस तरीके से बनता है याद रखेंगे। सिरका कैसे बनता है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मशरूबात की पैदावार, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ये सबक में खुर्दुबीनी हयाती खामरे, बिल्कुल भी एक भी टॉपिक इसमें से छोड़ना नहीं है आपको। आसान सबक है और इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से जो सवालात पूछे जाते हैं वो आप एक बार अच्छे से सारी चीज़ें याद करते हैं तो उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें से, ये सबक में से एक भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। जितने भी कॉलम्स दिए गए हैं वो कॉलम्स अच्छे से याद करेंगे, कॉलम्स में से भी सवालात पूछे जाते हैं बनाकर, और यहाँ पर ये सारे कॉलम आपको याद रखना है। यानी यहाँ पर खुर्दुबीनी हयाती अमल से हासिल शुदा अशिया है, उसका फाल यानी काम क्या है, ये कॉलम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जुदुल आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर इस सबक में से एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। जिद हयाती यानी एंटीबायोटिक्स क्या है, आज अभी कोरोना के उसमें एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो यहाँ पर इस तरह की ये सब टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ लेना है, आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा और आप जहन में चीज़ें आसानी से रहेगी आपको। खुर्दुबीनी जानदार और ईंधन, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, याद रखना है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, इसमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। खुर्दुबीनी जानदारों के ज़रिए आलूदगी पर काबू, इम्पॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है आपको। गंदे पानी का इंतज़ाम, ये भी पढ़ना है आपको। साफ टेक्नोलॉजी, ये भी पढ़ना है आपको। इसके बाद में यहाँ पर खुर्दुबीनी जानदार के टीके, ये पढ़ना है। हाथी जरासीम कश दवाएँ, ये पढ़ना है सारी आपको। तो ये सबक में से आप बिल्कुल भी एक भी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, यानी सबक नंबर 7 का एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। आप चाहें तो सबक नंबर 6 स्किप कर सकते हैं, ठीक है। खलवियात और हयाती टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इसमें जो है वो खलवियात क्या है वो आपको याद रखना है, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर इसके बाद में माँ खलिया, बुनियादी खलिया, ये भी पढ़ना है आपको। यहाँ पर ये पूरा आगे जाकर ये पूरा जो है ये सब पूरा ये कट है, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये जुदूल नीचे दी गई है वो भी कट है। इसके बाद में यहाँ पर ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। साख खलिये की तहकीक, ये सब बालिग साख खलिया, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। साख खलिये का इस्तेमाल क्या है वो पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। शक्ल है, फिर हयाती टेक्नोलॉजी क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। हयाती टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है। इसके ऊपर एक जो पेज नंबर 90 पे ये शक्लें दी गई थी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यानी अज़ा की पेवंदकारी जो है वो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये यहाँ पर अज़ा की पेवंदकारी ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी शक्लें वगैरह भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में यहाँ पर ये सब, यहाँ हयाती टेक्नोलॉजी क्या है और इसको ख़ास तौर पर ज़ेल की चीज़ों को शामिल किया गया, ये सब आपको, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लेना है आपको। हयाती टेक्नोलॉजी का कारोबारी इस्तेमाल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अली बे जीम सब पढ़ना है आपको। बीटी कपास, बैगन, गोल्डन राइस, ये सारी चीज़ें जो है वो आजकल चल रही है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा और एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। घास ख़त्म करने वाली नबातात, फिर नामियाती खाद क्या है ये पढ़ना है। हैवानात की अफजाइश, इंसानी सेहत, ये पढ़ना है। टीका और टीका लगाना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से एक सवाल पूछते ही है, और इस बार तो वैक्सीन की बहुत ज़्यादा अहमियत है तो ये सवाल आ सकता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। खुर्दुबीनी टीके, ये भी आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ लेनी है। क्लोनिंग क्या है, तौलीदी क्लोनिंग क्या है, ये पढ़ना है आपको। फिर यहाँ पर मालजाती और क्लोनिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर सनती पैदावार में माहौल और हयाती टेक्नोलॉजी, कॉमन टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर अनाज की बायोटेक्नोलॉजी, DNA, फिंगर प्रिंटिंग, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है। सब्ज इंकलाब क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना है आपको। सफ़ेद इंकलाब, सब्ज इंकलाब, नीला इंकलाब, ये तीनों भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। खाद क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर से। हशरात कश, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर इसके बाद में है नामियाती काश्तकारी, ये भी टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। शहद की मक्खी पालना, ये भी पढ़ना है आपको। अद्वियाती पौधे लगाना, काश्तकारी करना, ये भी पढ़ना है। फलों की
सनद ये भी पढ़ना है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर इसमें से भी सारे टॉपिक पढ़ना है। और सबक नंबर 9 और 10 आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, बहुत ही कॉमन है, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो है वो साइंस 2 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुकम्मल हुआ। सबक नंबर 1, 2 और 3 इसमें से आप ज़्यादातर टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। सवाल नंबर इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। सब तवानाई का टॉपिक इसमें भी आसान है, आप चाहें तो ये सबक नंबर 6 स्किप कर सकते हैं। 7, 8 ये भी बहुत कॉमन है, उसमें से भी आपको टॉपिक बहुत सारे टॉपिक जो है वो आप कुछ कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए गए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में से आपको फिर से बता देती हूँ, जो तस्वीरी सवालात वाले सवाल है वो अच्छी तरीके से कर लीजिए, उसमें से ही पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन बैंक हो सके तो आप अच्छी तरीके से उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका साइंस 1 का पेपर भी आसान गया होगा, इजी गया होगा। इंशाल्लाह ताला ये पेपर भी आपका बहुत ही आसान होगा। बेस्ट ऑफ लक।